तो आज हम जीने वाले हैं एक और नई एक नई जिंदगी। एंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एशियम में। विद अ न्यू गेम ले वीडियो हम खेलने जा रहे हैं 100 ईयर्स लाइफ सिमुलेटर, जो कि है वुडू गेम के द्वारा एक बनाई हुई गेम। तो अभी तुम्हारा हमें अभी बेबी चूज करना है, कैसे बेबी के रूप में आना है हमें। तो अभी हम आ चुके हैं एंड जो भी गेम का नाम है हम वही रखते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। एक करेक्टर की जो पूरी स्टोरी है, पूरी एक लाइफ है, उसको इन्जॉय करते हैं, देखते हैं कितने साल तक की लाइफ है एंड साल तक के बाद में देखते हैं इस लाइफ में क्या स्टोरी एंड क्या होता है। तो अभी ये एक साल का ये बच्चा है एंड ये रो रहा है निप्पल लगा रखी है उसने, ठीक है। तो अभी इसके डैड है एंड ये ताली बजा रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, भाई मेरे पास आ जा, तू मेरे पास आ जा बच्चे। तो देखते हैं किसके पास जाए। तो मैं भाई मोम के पास भेज देता हूँ, ऐसे भी बच्चे ज़्यादातर आजकल मम्मी पे जाते हैं। ओ भाई डैड भी देख रहे होंगे उसके, ओ शिट मम्मी भी चलाई अपनी। ओके भाई, तो यहाँ भाई ये 2 साल का हो चुका है बच्चा और ये ऐसे ही चल रहा है भाई साहब। तो अभी 2 साल का हुआ भाई, देखते हैं अभी क्या होता है। तो भाई यहाँ पे एक फनी रेस होने वाली है, फन रेस होने वाली है, जैसे बच्चे खेलते हैं। एंड यहाँ पे भाई बॉल्स जा रही, एक छोटी एक बड़ी बॉल एंड एक गाड़ी है भाई, इसकी मम्मी इसका यहाँ वेट कर रही है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड यहाँ पे मतलब एक बचपन जी रहे हैं हम। अभी तो ये बच्चा 3 साल का हो चुका है, ये पहले 3 साल बच्चों को मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके भाई, तो अभी 3 साल के हो चुके हैं हम। तो ये चलना सीख रहा है हमारा करेक्टर भाई। ओहो, अब कौन सा टॉय चुनेगा ये भाई, खिलौना ही लेगा बच्चा तो, या ग्लास का क्या करेगा। ओके भाई, ओ भाई साहब तोड़ डाला रही है। तो आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं भाई, सब तोड़ डालते हैं खिलौना वगैरह सब, इसके बाद वगैरह। ओ कितना नुकसान है भाई, 25,000 डॉलर इतने का। मेरे यार ज़्यादा नुकसान करते तुमने। ओके तो अभी यहाँ पे हम बड़े हुए हैं, ऐसे ही हम बड़े हुए यार। हमारी मम्मी ने हमको भयंकर टॉयलेट साफ़ करने को दे दिया, टॉयलेट करते हैं साफ़। कगरा काफ़ी टाइम से गंदा है एंड इतना गंदा कैसे हुआ यार ये, बट कोई नहीं, जितना हम सफाई करने करते हैं। एंड फिलहाल हमको इसे 80% तक साफ़ करना है इस टॉयलेट को। परसेंटेज आपको तो नहीं होगी, थोड़ा बहुत ये नीचे आ गया, बट कोई नहीं, जैसे क्लियर होगा हम चलते हैं भाई। टॉयलेट भी साफ़ करना पड़ रहा है, क्या अलग स्टोरी चल रही है यहाँ पे। हम 6-7 साल के हो चुके हैं एंड एक डायमंड हमको मिलता है यहाँ पे। डायमंड भी आगे काम आता है चॉइस के लिए। ओके भाई, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक वैन है और भाई यहाँ पे हमारे मतलब इस करेक्टर के फादर हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एंड ये लेविस भाई क्या कर रहे हैं हम देखते हैं। लुइस भाई फिशिंग करने जाएंगे मैं, क्योंकि इतने डायमंड्स तो है नहीं जो हम उन्हें ज्वाइन करें। एंड बढ़िया टेक्निक सीखते हैं फिशिंग की। तो भाई यहाँ पे खेली जा रही है पूरी की पूरी वॉलीबॉल। तो हम देखते हैं हम क्या निकालेंगे, पहली फिश आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ फिशिंग ट्राई कर रहा है ये लड़का एंड क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, पहली मशीन निकाल भी दी। चलो भाई देखते हैं आगे क्या होता है, बड़े से बड़ा होता है। एंड ये भी ये 8 साल का हो चुका है, तो देखते हैं अभी ये 8 साल का हो चुका है ना, 8 साल का हो गया तो क्या करता अभी है। तो टैग एवरीवन। तो अभी भाई देखो यहाँ पे इसने सबको टैग कर दिया फटाफट। हाँ भाई क्या स्पीड में भागा है भाई, ये सब के सब टैग हो गए। ओके गाइस चलते हैं भाई, अभी 9 साल का हो चुका है। तो गाइस अभी हम उठ चुके हैं आज है हेलोवीन, हेलोवीन की पार्टी में चलते हैं गाइस। तो फिलहाल हम बनाने घूमते हैं और यहाँ पे कैरेक्टर बहुत क्यूट लग रहा है। ओ भाई साहब, तो अभी यहाँ पे हम चल रहे हैं एंड ये कुछ बुलाने आए थे, अभी चल निकलते हैं एंड देखते हैं अभी क्या, किस घर के अंदर जाके हमको पैसे वगैरह लेने हैं, टॉफ़ी वगैरह लेनी है। तो स्पूकी हाउस में चलते हैं, नाइस हाउस में क्या पता भगाई दे। हेलो नो भाई, बहुत सारी टॉफियाँ मिली यहाँ यहाँ पे, यहाँ पे चिल्लर वगैरह भी ले लिए थोड़े थोड़े। तो अब ये बच्चा बड़ा हो गया थोड़ा बड़ा, करते करते 10 साल का हो चुका है
एंड 10 साल का हो रहा है, बताओ अभी इसके पापा इसको स्विमिंग सिखा रहे हैं। एंड ये छोटा सा बच्चा कितनी बढ़िया स्विमिंग कर रहा है। एंड ये सो ऑप्शन मिलेगा कीप ट्रेनिंग आई एम रेडी नाउ, भाई कीप ट्रेनिंग करते हैं अभी, मतलब हवा में नहीं उड़ना है। ओके क्या बात है, हम बढ़िया स्विमर बन चुके हैं घंटे बाद ही। तो अब 11 साल के हो चुके हैं हम, तो हमारे पापा ने हमको कुछ काम दिया है, ऐसा करेक्टर कह रहा है। ओके तो अभी यहाँ पे भाई गाड़ी साफ़ करनी होगी, भाई किस किसने काम करे हैं ऐसा बताना मेरे को, गाड़ी वगैरह तो साफ़ करी होगी सबने, मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ी वगैरह, ओ यार हाँ किसी ने अगर वह साइकिल भी साफ़ करी है वो भी बता देना। भाई मैंने तो करी है, मेरी साइकिल तो मैंने भी साफ़ करी है, ओहो करता हूँ मैं तो। फिलहाल ये गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल चमकने वाली है यहाँ पे, क्योंकि बहुत गंदी हो रही है भाई, इतनी गंदी कौन डिज़ाइन कहाँ से डिज़ाइन करवा के आए हैं, किसने लगाया मेरे को नाम बता दो, मैं इसका मुँह तोड़ दूँगा फिलहाल तो। ज़्यादा गंदी हो चुकी है, कुछ लगता है पूरे होली खेल के आई है गाड़ी है, और पूरी होली खेल के आई है भाई। ओके तो पूरा वो पूरा ट्रक है भाई इसके पावा। एंड भाई कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, एंड यार ये प्रेशर ज़्यादा जितना ज़्यादा लग रहा है ना तब जाके साफ़ हो रहा है भाई, आसान नहीं इस गाड़ी को साफ़ करना, तो मैं लग रहा होगा कोई मशीन करना भाई टाइम लग रहा है भाई इसमें, एंड लगता है भाई यार फट। ओके भाई तो अब ये परफेक्ट है, मतलब हमारा काम हो गया इतना जितना करना था। ओके तो परफेक्ट तो फिर भी कैंसिल कर दो, ठीक हो गई थी। ओके गाइस तो अभी हम यहाँ गए चर्च के अंदर, तो भाई इस बंदे की बात है तो क्या है, भगवान नहीं है या वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस भाई भगवान तो है, वी ऑल नो भाई। ओके गाइस हे परमात्मा शक्ति देना, चलो जय हो। और ये जैसे कि जैसे हम स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है एंड और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, अभी तो हम यहाँ पे भाई पता नहीं क्या, हाँ 11 12 साल के मैं शायद, तो अभी यहाँ पे एक बंदा ने आगे अपनी टांग अड़ाई है, हम गिर चुके हैं गाइस, ये कुछ बुली वगैरह बच्चे जो करते हैं, तो फाइट करने हैं की वॉकिंग भाई, अब यहाँ तो फाइट करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे तो हमारा टाइम वो बनता है भाई। क्या है तू सुखे से तू क्यों लड़ रहा है, तो ओ भाई वीक पंच अच्छा, मतलब मैंने लगा सोचा हरा मत दबाओगे ना तो हरा पंच बढ़िया जाएगा, तो वो परफेक्ट है लाल वाला, दबा के देखता हूँ, ओ परफेक्ट पंच भाई साहब, एक मुक्के भाई तारे आए भाई उसके तो सर के ऊपर। तो यहाँ अपनी बंदी के साथ भाई निकल चुका है बंदा, 13 साल का हो चुका था एंड उस टाइम पे ये, एंड अभी रीच योर गर्ल, मैं अपनी बंदी के पास जाना है मेनली काम, तो उस बंदे को अपने। ओके गाइस इसकी गर्ल के पास इसको जाना है, ले जाते हैं भाई इसकी गर्ल के पास। ओके भाई यहाँ पे ये आ चुका है, इससे बात वगैरह करने तो भाई से देखे भाई शर्माशी रही है भाई ये, ओ भाई किस कर ली, चलो भाई अब कितने साल का जो है भाई साहब, 14 साल का हुआ है काम ऐसे स्टार्ट करती थी इसने, 15 साल का हो चुका भाई, अब 15 साल का हो चुका है भाई बंदा। ओके तो अभी इसकी नींद खुलती है एंड इसका पास भी भाई मेरे को लगता है 2 ऑप्शन आने वाले हैं। ओके गो टू स्कूल एंड गो टू, तो भाई आज बंक मारते हैं। ओके गाइस तो ये इसकी गर्लफ्रेंड, इसके कुछ फ्रेंड हैं यहाँ पे, अभी चलते हैं बात करते हैं देखते हैं। तो भाई यहाँ पे आज पूरा प्लान है भाई इनका एंजॉय करने का, तो ये जा चुके हैं माउंटेन एरिया के अंदर। मैं परिंदा वे सबर थोड़ा जो तर बदर, कोई मुझको यू मिला है जैसे बन जा रे को घर। भाई अभी इन्होंने प्लान बना लिया है, यहाँ से कूदेंगे भाई झील के अंदर ही है, अभी इसकी गर्लफ्रेंड कह रही है भाई तू भी चल, तो
अभी यहाँ पे हमें जिम करने के लिए 5 डायमंड चाहिए एंड वो हमारे पास नहीं है, तो अभी यहाँ पर नाराज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अभी ये खुद कूद गई भाई बिना अपने बंदे के, मतलब बंदे ज़्यादा ऐसे भाई ये झील में बात करने लाए। ओके तो अभी 17 साल का हो चुका है तो भाई गेमिंग करने लग गया है। ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है, गेमिंग में गेमिंग हो रही है भाई, उसकी गर्लफ्रेंड बुला रही है भाई। हाँ तो ये पूरे गेम खेलने को ना मस्त है भाई, GTA 5 खेल रहा है क्या? ओ शिट ब्रो क्या निकाल दिया भाई, हग आ रही नोर आर भाई, हग कर देते हैं चलो भाई, क्यों रूस रही है भाई फालतू में। ओके मतलब रूस ले भाई, अब तो जहाँ जाकर रूसना है रूस ले भाई, हमें तो क्या है। एक तो भाई गेम खेल के हम बीच में भी बैठे कोई बात नहीं, चलो 20 साल का भी बंदा हो चुका है तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो 20 साल के आग हो चुके हैं हम, अब देखते हैं कुछ करना पड़ेगा भाई बढ़िया काम। तो फिलहाल तो 20 साल का होते सर ये क्या कर रहा है देखते हैं फ़ोन में। भाई ये क्या है, ये भाई लड़की देख रहा अपने लिए फ्रेंड भाई, चलो भाई सेकंड चल भाई तू ही आ जा, मैंने तो ऐसे ही रेंडमली सिलेक्ट कर दी भाई, पहली वाली मेरे में ज़्यादा एटीट्यूड से लग रहा था, बाकी इसमें भी यार एटीट्यूड तो हो गई ज़्यादा भाई। मेरे को पता है इसकी स्टोरी ऐसी होने वाली है, ये कुछ महंगा सामान खरीदने जाएगी उतने का बजट नहीं अपना, ये चलती बनेगी भाई बात खत्म। देखो वही बात हो रही है, शिट ब्रो मैंने पहले तो पूरे भी मजे करे एंड कपड़े वगैरह खरीदे थोड़े बहुत, इतनी सारी शॉपिंग कराने के बाद भाई अगर बंदे के पैसे खत्म नहीं होंगे तो बताओ ना यार। एंड अभी यहाँ पे रिंग की बात आ गई तो बंदा कहाँ तक अपना खर्चा निकालेगा, फिलहाल तो जॉब भी नहीं करता कोई। ओके तो अभी मैं अपने 100 डॉलर की रिंग खरीद कर दी थी उसको, लेकिन वो उससे गुस्सा आ गया, चल भाई निकल तू यहाँ से, चल निकल भाई तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, हम इसको क्या सकते हैं। बट यहाँ पे करेक्टर की स्टोरी चल रही है। ओके तो अभी ये 22 साल का हो चुका है एंड 22 साल का हो चुका है एंड ये भाई टावर पर आगे खड़ा हो गया भाई, इसकी बंदी इसको मैसेज नहीं कर रही भाई, क्या क्या इंसान हो भाई तुम। मैं तो भाई खुद ब्लॉक मारता भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या करेक्टर की स्टोरी दिखा रहा है मेरे को। बोले कि भाई इसे लिखना था गेट लॉस्ट एंड ये थोड़े से ऐड आ चुके हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके तो अभी से गुस्सा आया एंड इसने गुस्से में ये उठा के फेंक दी। शिट ब्रो फ़ोन का नुकसान कर दिया भाई तूने, या क्या फ़ोन बेच के कुछ काम ही कर लेता, नहीं चल फोन तो फ़ोन से ही तेरा काम कर रहा था तो फ़ोन की बेचने की जोड़ने थी। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फ़ोन तो सही सलामत है भाई इसका भी, मस्त मस्त भाई। hey, hey. Woohoo! ओके गाइस तो ये भी गोल्ड डिगर करने के लिए लड़की भाई चली गई लंबो वाले के साथ, तो कहीं जॉब ढूंढते हैं देखते हैं भाई इसकी करेक्टर की स्टोरी देख लेते हैं। हाँ भाई अपने ऊपर काम करो भाई साहब। ये बॉस है क्या? अच्छा हेलो बॉस, चाय मेरे यार कोई बढ़िया जॉब मिली है। ओके तो सही है भाई करते हैं, क्या उल्टा सीधा बोल रहे भाई, पंच पंच कर भाई देखते हैं देखी जाएगी यार, फालतू में नहीं फालतू में ना बोल जी मेरा गया। वो क्या था भाई, हैं भाई हम इसके एक मुक्के में कभी होश रिप भाई, ये तो गेम गलत था भाई, गेम भाई गेम वालों से मैं कहना चाहूँगा भाई कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर भाई सिग्मा मेल के भी पा देते भाई हम थोड़े से, मतलब कुछ ये बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लेता तगड़ा सा लैम्बो फरारी भाई, यहाँ पे कुछ स्टोरी में ऐसा जाता ना मज़ा आ लगा जाता। बट कोई नहीं भाई काम तो करना ही पड़ेगा, चलो निकलते हैं। 27 साल का हो चुका है ये एंड 27 साल का हो गया है भाई, क्या वॉशरूम भाई वॉशरूम का सीन दिखा रहे 27 साल के में यार, क्या मतलब यहाँ पे कुछ एक्शन सीन होना चाहिए, तो कोई मूवी देख रहा है अभी गेम वो कर रहा है
या भाई कुछ अलग ही काम कर रहा है, बट यहाँ तुम वॉशरूम का सीन दिखा रहे हो एंड ये तुम भाई गेम वालों को यहाँ चेंज करना चाहिए सीन मेरे को हिसाब से तो। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में एंड मेरे को लगता है और स्टोरीज आनी चाहिए इसके अंदर। 29 ईयर्स के हो चुके हैं एंड हम अब देखते हैं अब क्या होने वाला है एंड ये लड़का भाई सोच रहा है अब क्या करे। ओ भाई तो अभी यहाँ पे गाड़ियों में देखना है वो तो वाइट लैम्बोर्गिनी जिसमें लड़की भाग की थी, बट कोई नहीं हम ब्लू लेंगे, हम थोड़ा देख के खर्चा करेंगे। यहाँ पे $1,00,000 की हमने गाड़ी खरीद ली भाई, मतलब जो टास्क भाई नेक्स्ट वो लग रहा था $1,00,000 की आज गाड़ी में हम घूम रहे हो ना 30 साल के हो गए। ओके ये तो वही लड़की है क्या, चल चल निकल यहाँ से। ओ भाई ये बढ़िया सीन हुआ, ये बढ़िया हुआ यहाँ पे, अच्छा ये सीन तो बढ़िया करा है। 31 साल के हो चुके हैं एंड मतलब ये वाली का मुझे समझ नहीं आया। मैं देखो जैसे तुम गेम देख रहे हो अभी दिक्कत करते हैं। ओके क्या बात है, मस्त है भाई, ये तो गाड़ी साफ़ करनी है कहाँ भाई, इसके अपने डैड के ट्रक साफ़ कर रहा था, आज अपनी खुद की गाड़ी साफ़ कर रहा है, मतलब फीलिंग अलग ही आती है ना एक बात तो है। बट हाँ यार इसकी गाड़ी भी बहुत गंदी हुई है, इसके डैड के ट्रक से ज़्यादा गंदी हो रही है इसकी गाड़ी। ओहो बट ये पाइप भाई, पाइप लॉन्ग लास्टिंग है, पाइप देखो कितने साल हो गए, पाइप क्या मस्त पानी मार रहा है। ओहो भाई इस पाइप की तरह वो क्या नाम हर टाइम काम आ सको ना ना ना। तो भाई मैं सही बता रहा हूँ रबर बैंड की तरह बनाओ बिल्कुल, जितना आप लोग आपको खींचा उतना आगे जाओ, मतलब बाउंस बैक करना तुम कौन अच्छी जिंदगी के अंदर। ओके अभी ये हमारी जो भी गाड़ी है ये बिल्कुल सेट होने वाली है एंड नीले कलर की हमारी गाड़ी प्यारी सी बिल्कुल अभी साफ होने वाली है। अभी देखते हैं भाई इसकी स्टोरी अभी तो मतलब बढ़िया चल रही है, बंदे ही हाँ मतलब हाँ गर्लफ्रेंड बनी, गर्लफ्रेंड चली गई, फिर एक बड़ी गर्लफ्रेंड वो भी चली गई, मतलब बचपन की छोड़ दूँ, फिर इसे जॉब वगैरह मिली एंड ये बंदा लेके बैठा अपनी खुद की गाड़ी, क्या बात है। ओके तो अभी यहाँ पर इंसिडेंट्स तो बहुत हो चुके हैं एंड अभी गाड़ी ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा रहा है जैसा आप देख सकते हैं, क्योंकि गंदी काफ़ी हुई है। तो अभी ये मतलब बढ़िया जितनी होनी साफ हो चुकी है, अभी ये 31 साल का हो चुका, मतलब 32 साल का जब हम हैं तो अभी क्या, अभी बॉस के ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस ने हमको बुलाया, देखते हैं बॉस क्या कहती है एंड ये बॉस ज़्यादा यकड़ हुआ है मतलब, हाँ यार काम नहीं करना था बट करना पड़ा यहाँ पे। तो अभी ये क्या कर रही है, मतलब मेरे घर आगे कॉफी मशीन से करो, मैं क्यों करूँ इतना टाइम वेला थोड़ी बैठे हैं भाई, यहाँ लिया कॉफी मशीन ऑफिस में सही कर दूँगा, तेरे घर थोड़ी आगे करूँगा। ठीक है भाई हम फायर हो चुके हैं, यार इतने अकड़ू फायर कर दिया, तेरा नुकसान होगा भाई, कंपनी डूबने वाली है ये वाली मुझे लग रहा है। ओके तो अभी हम चिल्लर पार्टी मांग रहे हैं भाई, चिल्लर वगैरह दे दो थोड़े से, 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये, मैं यार शेक वगैरह पीना था, बट कोई नहीं यार पुलिस क्यों आ गई, पुलिस का क्या दिक्कत है भाई, तू शेक वगैरह नहीं पीने देने की क्या, मेरे यार केक थोड़ी हम कुछ कर रहे थे, अच्छा इलीगल भाई क्या देश है भाई, देश क्या है, मन तो कर रहा है इसकी गन लेके से माथे में खोल दूँ, बट कोई नहीं चलते हैं स्टोरी को फॉलो करते हैं भाई। यार क्या देश है भाई ये, मतलब हाँ भीख मांगना इलीगल भाई, करेगा क्या यार ऐसा कैसे भाई, ये अलग देश है। यहाँ पे ये ऑफिसर मैडम खड़ी हैं, ओ भाई ये क्या कर दिया अपने आप सामने भाई, मतलब नंगा करा दिया इस बंदे को। ओके गाइस तो भाई हमें कपड़े चूज करने हैं, ऑरेंज चूज कर लेते हैं, मतलब ब्लैक वाइट तो बिल्कुल बेकार लग रहे हैं बिल्कुल, ऑरेंज में फिर भी कोई इतना क्रिमिनल नहीं कहने के बंदे, बट यहाँ तो 35 साल का हो चुके भाई। देखो देखो बातें बातें करते हैं, स्टोरी इतनी आगे बढ़ चुकी है, अभी जेल के पानी में नहा रहे भाई हम, जो कि बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं है। तो अभी यहाँ पे एक क्या साबुन गिरी है भाई, साबुन क्या लगाना भाई, जेल का टाइम चल रहा है यहाँ बैन का, मैं भाई साहब निकलना पड़ेगा यहाँ से। ओके गाइज तो निकलते हैं यहाँ पे,
38 ईयर्स हो चुके हैं भाई ये बंदा, और फिलहाल इसकी भैंस की शिट। ओ चर्च वाले अंकल, हेलो अंकल जी, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ। हाँ बेटा तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, तेरी मेरी थोड़ी मदद कराएगा? ओके अंकल कराता हूँ। अभी देखो हमारे चाहे वांदे लगे पड़े हैं, हमारी ऐसी तैसी हुई पड़े हैं, हम जेल में बैठे हैं, मतलब 5 साल से। क्या मैं क्या कहूँ सर आपको, थैंक यू फॉर दिस। कोई नहीं, मत कराना, अच्छी काम है, चलो कुछ अच्छे काम तो कर रहे हैं गाइस अब हम। ये क्या स्क्रू ड्राइवर, चलो भाई जेल से निकलने का रास्ता तो मिल गया। ओके चल आ जा 1 घंटे बाद। जय हो जय हो जय हो, चलते हैं अभी हम। हमें गेट मिल चुका है इसकी भैंस की। ओ शेट ब्रो, इसे क्या हुआ है, ले गाला स्क्रू ड्राइवर, टेढ़ा हो गया और पड़ा है। हाँ ठीक है भाई, देखते हैं कैसे निकलता है। 38 साल मतलब भाई 39 साल को हो गए भाई ये, 6 साल की जेल, 6 साल की जेल यार, तुम सोचो भयंकर। बिना किसी जुर्म क्या था बंदे पे भाई, पैसे मांग रहा था भाई, भाई उस पर क्या मतलब ये स्टोरी तो मतलब यहाँ बकवास सीन कर दिया, बट कोई नहीं, यहाँ जेल की भी एक्सपेरिमेंट हो ही गया, ऐसी बात नहीं है। ओके गाइस तो अभी यहाँ पे हम लॉक को अनलॉक करते हैं थोड़ा सा, मतलब यहाँ एक ऐसा आपको हरे पे मीटर जाना चाहिए इसका सिग्नल, तो जितना मतलब 100% करोगे तब उतने बार रखना है, 100% होते मतलब धीरे धीरे एक एक चीज़ अनलॉक होगी अब। ओके गाइस तो इसको भी अनलॉक करते हैं, इस वायरिंग को एंड लास्ट वायरिंग को अनलॉक करना पड़ेगा, फिलहाल ये हो नहीं रही, थोड़ा सा मतलब हाँ टेक्नीशियन का काम है। एंड गेम में मतलब कितना स्मूथली दिखाया गया भाई, लोग यहाँ ऐसे अंदर ऐसे हो रहा है एंड कितने फंक्शन कराया गया यहाँ, तो फिलहाल तो फिलहाल के लिए तो डोर खुल चुकी है। ओके तो अभी हम चलते हैं जेल से बाहर, बट फिलहाल सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल मैं कौन से गेट से जाऊँ, तो राइट हमेशा मतलब राइट नहीं होता, तो एक बार लेफ्ट में जाकर देखते हैं क्या होगा। तो चल वीरे तू लेफ्ट चल, ओ भाई मेरे लेफ्ट चल तू। तो ये भाई लेफ्ट आ गए एंड लेफ्ट में इतनी तेज़ी से भागा भाई मेरा भाई। अभी यहाँ पे भाई क्या बात है, टनल मिल गई एंड इस टनल के जरिए हम जा सकते हैं यहाँ पूरे जेल से बाहर। तो मेरे भाई कूद तक बने तू, चल कूद, 1 2 3 लेट्स गो गाइस, निकलते हैं हम। ओके गाइस तो अभी हम जेल से बाहर निकल चुके हैं एंड अभी ये मतलब हाँ 40 साल का हो चुका भाई बंदा ये, मतलब जेल से निकलने भयंकर टाइम बहुत लग गया भाई यहाँ तो ज़्यादा लंबा, मतलब यहाँ पर 6 साल गुजार दिए भाई जेल में। ये धूप रेगिस्तान की हमसे ना सही सही जाए, ये विरान रेगिस्तान। कुछ बंदे खड़े हैं भाई, पानी वगैरह तो फिलहाल तो एंड थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान दे दो मेरे को यार, गाइस तुम पे हो तो ये बंदा यही कहेगा एंड तो ये थोड़े बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं एंड इन्होंने इसको शेल्टर भी दे दिया है, बात हो चुकी है एंड फिलहाल चलते हैं। ओके अच्छी खासी बात कर रहे हैं भाई ये, फिलहाल समझ तो आई नहीं रही, चलते हैं शेल्टर की ओर। मनाया भाई ये 40 ईयर्स का ये हो चुका है एंड अभी मतलब 40 साल के हो चुके हैं, तुम सोचो यार जेल से भागते भागते हम 40 साल के हो गए कैरेक्टर के अंदर। एंड एक्सप्लोर करना है यहाँ तो 5 डायमंड लगेंगे, मैं यार सोचता हूँ घर ही चलते हैं। तो हम 41 साल के हो चुके हैं एंड भाई यहाँ ये प्लेन है, यहाँ पे कुछ मतलब किसी से प्यार से हो गया लड़की को देख के। फिलहाल यहाँ ये किसका बच्चा है, इसकी माँ, और इसकी माँ कह रही है मुझे आगे आना है, तो हम आगे आने देते हैं यार एक बेबी को अपनी मम्मी से भी दूर रख के, चलो चलते हैं। तो फिलहाल हम पीछे आके बैठ चुके हैं, ओ भाई ये मोटे मोटे अंकल मेरे पीछे आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हम फंस चुके हैं गाइस बहुत बुरे अच्छे करने के चक्कर में, तो यहाँ पे ही क्या करना चाहिए अच्छा, मतलब हमें बिजनेस क्लास मिल गई, चलो भाई अच्छा ही काम का कुछ अच्छा ही नतीजा मिल गया, बहुत ही बढ़िया। तो फिलहाल घर की ओर चलते हैं। तो 42 साल का बंदा हो चुका है एंड फिलहाल ये घर पहुँचता है, देखते हैं क्या होता है।
तो अभी अपने घर आ चुका है इतने सालों बाद मिलने। और यहाँ पे ट्रक भी वैसा का वैसा है मस्त, इसके फादर का अमेरिका का झंडा दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ भाई घर देखते हैं, तो घर तो भाई बढ़िया है फिलहाल, राइट साइड में क्या है वहाँ ट्रक वगैरह सही है। लेकिन एक सिंह, ओ भाई इस मदर फादर डेड भाई, बहुत बड़ा सकमा लगा इसको तो, पर मेरे को देख के भी भाई बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। बड़े भली गेम है ये। एंड भाई इसने अपनी मम्मी और को जैसे पूरी याद आ रही है, यार ये क्या हुआ भाई, मतलब इसकी स्टोरी में इसने मम्मी पापा के साथ मतलब पल बहुत कम थे, मतलब हाँ मम्मी के पास जाना, फादर के मतलब ट्रक साफ करना, मम्मी मतलब लैट्रिन वगैरह साफ करती थी, मतलब थोड़े बहुत पल थे यार। बहुत खिलाया था भाई इसको, बच्चा बच्चा बनाया था। एंड शिट यार वो नहीं है, तो मैं यहाँ फिलहाल जाके कोई घर चेक कर लेता हूँ, घर में एक बार आखिर बार देख के देख लेते हैं हम। ओह शिट भाई क्या हो गया, अरे भाई बहुत बुरे तरीके से रो रहा है भाई बिलीव भाई। एंड यहाँ पे क्या हुआ, पुलिस मेरे को लगता है भागना ही चाहिए था वहाँ से। एंड यहाँ पुलिस आ चुकी है, एंड क्या भी बंदा यहाँ से भाग पाएगा मेरे को लग तो नहीं रहा, बट ट्राई करते हैं। ओह शिट ब्रो गोली भाई, भाई यहाँ स्टोरी एंड भाई, लेकिन यहाँ स्टोरी एंड हो सकती है, आज के वो आगे बहुत काम कर रहे हैं फिलहाल, इसको प्रूव करना है कोई अच्छी मतलब खुद का बिजनेस करके लाल दो। एंड यहाँ भाई आ चुका था देख सकते हो, बट जो ये सीन हुआ था मतलब बहुत ही बुरा हुआ है। एंड यहाँ पे ये रोया भी बंदा बहुत है, तो उसके सारे विजुअल सामने आ चुके हैं फिलहाल, ये बहुत रो रहा है। अब यहाँ से चलते हैं भाई, क्योंकि पुलिस कभी भी आ सकती है। शिट भाई शिट, ये मतलब बहुत ही रुला देने वाला सीन था। ओ भाई ओ शिट क्या हुआ, तो अभी 43 साल का हो चुका है बंदा, तो मोटल होटल में जा रहा है ये शिट ब्रो। तो अभी यहाँ टैक्सी मोटल फिलहाल चलते हैं, तो उसने अभी एक कमरा बुक कराया है, एंड देखते हैं भाई कमरा कैसा है हमारा। तो कमरा तो फिलहाल सही है, एंड ये कमरे में आके अब रोन लग जाएगा शायद, तो हाँ ठीक है भाई, इसे थोड़ा बाहर निकला है, अब 44 साल को हो चुका है 44 ईयर्स। एंड अभी फिलहाल पब में जाते हैं, पब में क्या है अर्जेंट कॉमेडियंस नीडेड, तो कॉमेडियन बनना चाहेगा भी है, तो कॉमेडियंस के लिए जोक क्रैक करना इतना आसान नहीं है, बट ट्राई करेंगे हम। तो चीयर्स भाई, यहाँ पे आ चुके हैं लेविस LEWIS, इनका शो है व्हाट डिड वन मूव से टू द अदर, वो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, देखते हैं ट्राई करते हैं ये क्या बनता है जोक। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे जनता हंस चुकी है पूरी पब्लिक, व्हाट इज द डंबेस्ट एनिमल इन द जंगल, पूरा भी लगा देते हैं। ओके तो यहाँ पे मतलब पूरे लोट पोट हो चुके हैं उसके, पता है मैं कौन से जोक बना रहा है अजीब से। फिलहाल तो चलते हैं, ये थैंक्स कह रहा है, चलते हैं भाई। अब क्या इसका कोई बड़ा शो होगा, एंड 45 साल का हो चुका है ये, तो अभी भाई देखो बात ही ऐसी है, यहाँ पे कोट पैंट तो बढ़िया टाई वगैरह में आ चुका है भाई, और चार्ज में फॉर एक्स्ट्रा फेयर फॉर एयर कंडीशनिंग करा चार्ज में से, लेकिन वो कूल नहीं था, ये थोड़ा सा जोक ही लगता है, बट लगा देते हैं देखते क्या होता है, दैट्स नॉट कूल। ओके तो यहाँ पे अभी पूरी जनता हंस चुकी है, इंजर्ड आ चुकी है, व्हाट डू यू कॉल अ काउ विद नो लेग, ग्राउंड बीफ बहुत बड़ा शो है। अभी यहाँ देखते हैं हमारा क्या होता है, कैसे हम मोटे बनने वाले हैं। Why do cement trees have fences? भाई मुझे कोई आइडिया नहीं इसका,
द ग्रेव रोबर्स इसी लगा देते हैं, ग्रेव रोबर्ट्स का होता है, तो मेरे को कमेंट में लिखना। तो देखते हैं जो क्रैक होता है कि नहीं होता है। ये जो क्रैक हो चुका है, जनता ताली बजा रही है। बढ़िया, व्हाट्स ब्लू एंड नॉट हैवी, जो ब्लू है नॉट हैवी, लाइट ब्लू आ रही है। तो सिंपल सा जोक बना भाई, सिंपल सा जोक है, लाइट ब्लू। तो फिलहाल हम एरोप्लेन की सफारी कर रहे हैं भाई। कहाँ हमारे पास भाई एक गाड़ी थी, बट नौकरी भी छूट गई थी भाई। अब क्या हम कमेंट में के क्या पैसे मोटे छाप रहे हैं, एंड फिलहाल एयरप्लेन में घूम रहे हैं, स्टीयरिंग वगैरह कर रहे हैं। तो भाई इस बंदे ने कुछ बन के दिखाया है जो बात हुई थी, एंड फिलहाल इसका स्टैंड अप कॉमेडी है बहुत ही बड़े होल के अंदर, और चिंता इतनी आई है। एंड भाई मोटी चैन मोटा पैसा भाई साहब, क्या बात हुआ। तो यहाँ पे इसका मतलब राइस पूरा तगड़ा चल चुका है बंदे का। फिलहाल यहाँ पे कॉमेडियन नंबर वन कॉमेडियन बन चुका है यहाँ पे खत्म। ओके तो फिलहाल क्या होगा, वही शो आ चुके हैं। एंड फिलहाल व्हाट डू यू कॉल अ सैड स्ट्रॉबेरी, एक स्ट्रॉबेरी को अब क्या हो गया, ब्लूबेरी, सिंपल जोक। उसके बाद क्रैक हो गया आसानी से, हो गया। व्हाई कांट अ नोज बी 12 इंचेस, एक नोज 12 इंच की क्यों नहीं हो सकती भाई, फिर बिकॉज देर इज रुपया हो रहा भाई, उनको एक फिर फूट लगने लग जाएगी। क्या यार कैसे जोक है, चल कोई नहीं, मुझे आगे से बंदे के भाई 50 मतलब 49 साल का है। तो भाई 49 साल का उठवा बंदा ये। ओके गाइस, तो भी ये तंग है बंदा, थोड़ा सा मतलब रेस्ट ले रहा है, ये शो करके दिखाता बन ये। तो भाई फैन है तो एक हक दे देते हैं, कोई बात नहीं, गिवर आ गए। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे इतने सारे फैंस आ चुके हैं, एंड ऑटोग्राफ वगैरह भी दे देते हैं इनको, ऑटोग्राफ दे दिया भाई, चलते हैं गाइस। अभी ये बंदा 50 साल को हो चुका है, सीरियसली ब्रो, एंड 50 साल को हो चुका है, लग नहीं रहा बंदा 50 साल का मेरे को बिल्कुल भी। चलते हैं, यहाँ पे इस बंदे ने पहचान लिया। वाओ, यू आर लेस, प्लीज टेल मी सम जोक्स। ओके भाई सुनाता हूँ कुछ। व्हाट डू यू कॉल अ कैलकुलेटर दैट वर्क्स इंस्टेंटली, अ कैलकुनाउ, नाउ मतलब इंस्टेंटली हो गया ना, ठीक है करते हैं जोक क्रैक। भाई सीरियसली भाई क्रैक हो गया। मैरिज इन्वॉल्व्स 3 रिंग्स, द एंगेजमेंट रिंग, द वेडिंग रिंग एंड द सफरिंग रिंग। ये तो भाई सबको हंसी मजाक का लगेगा, जो ये बढ़िया जॉक था। ओके, जो चीज़ सफर होती है उसके बीच में वो सफरिंग भी आती है। ओके तो फिलहाल चलते हैं, तुम्हारा हवाई जहाज में जा रहे थे नेक्स्ट शो के लिए, बट क्या हुआ ये, ओ शिट गाइस, पीछे से हवाई जहाज उड़ गए, कुछ बंदे हुए, मतलब यहाँ ट्रूँगा तो मरा मारा जाऊँगा, बट जंप कर लूँगा तो शायद बचने के चांसेस हैं, तो मैं जंप कर लेता भाई गाइस। ओ शिट, ये क्या हो गया भाई, फट गया भाई, भाई साहब ये कौन सा आइलैंड है यार, अब यहाँ गुजारना पड़ेगा भाई टाइम। तो अभी भाई ये आइलैंड है भाई, ये 50 साल मतलब अब लोग आ रही है भाई 50 साल वाली, मतलब हाँ अपने मोम डैड को याद कर रहा भाई। बस किस्म से बंदा बहुत उदास है फिलहाल के लिए, तो क्योंकि जब मतलब हम भी किसी भी परेशानी में होते हैं तो अपने मोम डैड को याद करते हैं, उन देख लेते हैं। इसके तो भाई याद ही कर रहे थे फिलहाल, अभी एक हिरन को देखा इसने, नारियल पानी तोड़ने की कोशिश करी वो भी नहीं टूटे, ये नीचे गिर गया, एंड यहाँ पे फिश पकड़ने की कोशिश करी क्योंकि यहाँ पे टेक्निक तो आती है इसे, बट वो स्टिक नहीं है, एंड दिस इज व्हाई ही कैन डू एनीथिंग फॉर इट। एंड सो भाई हेल्प ले लेते हैं जब कुछ हो ही नहीं रहा है, तो बढ़िया हेल्प ले लो। ओके तो अब चलते हैं, इन्होंने हमको कुछ खाने पीने का दे दिया, थैंक यू फॉर दिस टू माय करेक्टर। ओके चलते भाई, तो अब हम 53 साल के हो चुके हैं, 53 ईयर्स। तो ये यहाँ पे क्या बात है भाई, यहाँ पे अनिल के पास आ चुका है, एंड ये कुछ ट्रेनिंग कर रही है, इसकी मम्मा हो रही है, इसकी लड़की है, एंड इन्होंने मतलब हाँ शरण दी है ऐसा कह सकते हो, यहाँ पे मतलब यहाँ पर रहने का मतलब खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दिस। ओ भाई मेरा पूरा पूरी तगड़ी ट्रेनर है आदिवासी, फिलहाल ये क्या बात है भाई, तीन तीन तीर मार दिए नारियल को भाई है। ओ भाई हमारी तो पूरी तगड़ी ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे,
आफ्टर 1 ईयर। भाई साहब क्या बात है, क्या निशाना मारा है, ये हमारे कलेक्टर ने मारा है सीटिंग ट्रेनिंग के बावजूद। तो अभी ये फुल ट्रेन हो चुका, हमारा बंदा यहाँ पे रह सकता है बढ़िया तरीके से। तो अभी हमें क्या बात है, मतलब तो जीवन का भी साइकिल चलता रहता है, कभी दुख मतलब कभी बहुत ज़्यादा खुशी एंड इंस्टेंटली फिर वही फेस हो जाता है। तो मतलब सुख दुख तो भाई ज़िंदगी में आते रहेंगे, हमारा काम क्या है, हमारा काम है चलते रहना। तो फिलहाल मेरे ख्याल बोल रही है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकलते हैं, उसने यहाँ से रहने के लिए भाई 9 डायमंड लगेंगे एंड जितने डायमंड मेरे पास हैं जो निकलना तो पड़ेगा। थैंक यू फॉर सफ़र के लिए जो भी भाई, शुरू में कर लिया मैंने सोचा भाई शार्क हो गया ना, तो देखते हैं भी क्या होता है। भाई शार्क असली में आ गई भाई, लगता गया काम से, बिल्कुल पास आ गई भाई, बिल्कुल पास। ओ शिट ओ शिट ओ भाई, ये तो इसने बचा लिया हमको हवाई जहाज ने। ओके शिप ने भाई, एंड हम फिलहाल हाथ हो गए अच्छे पिछे इधर आ चुके हैं फिलहाल ये मतलब। हाँ अब आए लोग इसके 58 साल वाले बंदे ही जैसी कलेक्टर की। ओके तो गाइस अभी ये 58 साल हो चुके हैं, हम यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं फिलहाल एक माउंटेन में। तो मतलब हाँ बंदा बढ़िया काम कर रहा है फिलहाल, देखते हैं। यहाँ पे भाई हड्डिया बार कंकाल है, यहाँ एक साइड बियर गया, मतलब बियर गया तो एक बार देखते हैं यहाँ साइड क्या है जाके। भाई भटकी हुई आत्माएं हैं क्या ये, वो भाई खतरनाक भाई क्या सीन दिखा दिया ये तो चमत्कार हो गया। ओ भाई भाई से मर के पीटेंगे क्या ये, ओ भाई इन्होंने भाई सारा सामान रख दिया ना भाई, भैया तुम्हें जो लेना ले जाओ भाई, हमें माफ़ करो। फिलहाल ये यहाँ से भाग चुका है एंड मेरे को लगा डिसीजन यहाँ पे सही था ये एक नंबर। तो चलो अंकल जी भाग लो एंड फिलहाल ये क्या 60 साल हो चुके हैं। ओके तो 60 साल के अंकल जी हो चुके हैं, सुंदर करेक्टर कह रहा हूँ ठीक है। ओके तो अभी कैसीनो में मतलब बहुत पैसा कमा लिया भाई, अभी तो थोड़ा थोड़ा ही ले। ओके भाई तो 60 साल हो चुके हैं फिलहाल ये क्या, ये लड़की यहाँ पे क्या बैठ रही है, मतलब पंगे लगा के बैठी है लड़की अंकल के साथ। तो भाई इक्का मैं तो भाई फोल्ड कर रहा हूँ, क्या बोलते हो, तो दोबारा उसे वापस दे दी मैंने। तो भाई इन्हें कहा नहीं भाई तू हारेगा पहले, तो तू कर एक गेम तो तुम्हें वहाँ करेंगे, मैं कल ले ले भाई तो मैं मैच ना आगे बढ़ा, मैंने वापस दे दी थे कहा, हाँ मैंने वापस दे दी भाई सर, दोबारा करते हैं ऑल इन ऑल इन ऑल इन। दुगा दुगा व्हाट यू गॉट देयर ओल्ड मैन, भाई ओल्ड मैन क्या ले भाई मम्मू का हिम्मत हो तो। ओके गाइस तो अभी हम सारा पैसा लगा देते हैं फिलहाल, ले भाई चल भाई पैसा तू, तो देखते हैं भाई क्या हम जीतेंगे। आई कॉल ओके तो फिलहाल अभी हमारे पत्ते खुलेंगे क्या, तो अभी कुछ पत्ते दिखाने वाला है देखते हैं। मेरे को तो ये गेम पता नहीं बिल्कुल भी कैसे खेली जाएगी, किसी और को तो बताना भाई कमेंट में। ओ भाई ये खुश हो रहा है जीत गया भाई, क्या जीत गया क्या भाई वापी, ओ ओ ओ ओ शिट ब्रो, ओहो बहुत रुला दिया तूने बेटी, बहुत रुला दिया। अगला मैच हम अब हम बेटी को रहे बरेटी बरेटी अंकल कहने वाली बेटी वो पाएंगे। ओके ये लड़की बहुत मस्त रही थी भाई, ओल्ड अंकल करती थी उससे सब पता चल गया भाई। ओ भाई देखते हैं ओ शिट किसी पत्ते देख पा रहे हैं, क्या बात है देख लिया, क्या बात है भाई लविश भाई ने काम कमा कर दिया लविश भाई। हो तू तो गई बेटे, बेटी तू तो गई बेटे तू तो गई भाई तो काम से गई, सारा वापस लेंगे हम हमारी ऐसी की तैसी, फले बंदा कर देगा मोटी चैन मोटा पैसा। ओहो क्या बात है जीत गए भाई। तो अभी 60 से भाई सीधा हम 62 के हो गए यार, 61 कहाँ गया कोई भाई इस गेम में ऐसे चलता है। एंड हेलो डॉक्टर,
अब बात हटता कि कुछ दिख भी नहीं रहा भाई, क्या हो गया? हाउ आर यू डूइंग टुडे? सो आई जस्ट वेंट टू ओरियन स्कैन एंड आई लाइक यू गर्ल कैंसर. अच्छा भाई, इसको कैंसर हो गया. ओह शिट ब्रो, मतलब यहाँ तक मतलब 62 साल की लाइफ, मतलब हाँ सही है बहुत इसकी, वो ऐसी ऐसी थार चढ़ा. अड़ंग भाई ने बहुत काम कर, कॉमेडियन बने भाई, भाई ने पूरी जनता चाहिए एंड बहुत बढ़िया काम करे एंड. तो फिलहाल देखो भाई, आत्मा तुम्हें जगह पता है कभी नहीं बढ़ती. ये गेम का बहुत बढ़िया पार्ट लगा मुझे. मैं फिलहाल यहाँ पे दोबारा आ चुका एंड छोटा सा बेबी रो रहा है एंड फिलहाल देखते हैं क्या होता है. दिस इज जस्ट गाइस, वीडियो का एंड होने वाला है एंड छोटा सा पार्ट रह रहा है. तो अभी यहाँ भाई सोफे बिछा के कौन बैठता है? हाय डियर, सॉरी आई मस्ट हैव स्टार्टल्ड यू. क्या इसका मतलब, क्या स्टार्टल्ड हो रहा है? देखना तुम, हु आर यू? वेल आई गेस सो मच रेफर्स टू मी एज गॉड, बट आई एम नॉट बिग फैन ऑफ लेबल्स. अच्छा, इंसान मुझे भगवान कहते हैं. ओके, तो हे डोंट यू चेक आउट दैट होल. होल मतलब भाई तुम्हें अगला जन्म मिल रहा है, तुम जाओ वहाँ जाके देखो तुम्हें अगली दुनिया. भाई साहब ऐसा ही होगा ऐसा तो सीन तो यहाँ का. तो भाई इस गेम ने तो अलग ही डेवलप करा है कुछ ना कुछ तगड़ा सा ही. तो भाई 100 ईयर्स लाइफ सिमुलेटर में एज अ बॉय हमने पूरी जिंदगी जी ली. करेक्टराइज तो देखो, $53,000 की नेटवर्क गए हैं, हैप्पीनेस 30%, स्ट्रेंथ 60%.